हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है और उसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए, नॉर्मली हम जो कैपेसिटर पढ़ते हैं वो अभी तक हम दो प्लेट्स के लिए पढ़ते आए हैं। दो प्लेट्स हमने ली, डिस्टेंस अगर डी है और फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह का अरेंजमेंट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अभी हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर सबसे पहले बनेगा कैसे, फिर हम उसकी कैपेसिटेंस डिराइव करेंगे। तो देखिए डायग्राम से, मान लो दो स्फेरिकल अपने पास कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर ये है और सेकेंड कंडक्टर ये है। तो फर्स्ट को ए हमने, ये क्या है, इनर जो अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर है वो हमने लिया है, और ये वाला कौन सा है, बी है। अब इससे डायग्राम से पता चल रहा है कि रेडियस जो है, अगर हम इसको आर वन मान ले और सेकेंड वाले मतलब बी की जो रेडियस है वो हम आर टू मान ले, तो आर टू रेडियस क्या है, ग्रेटर देन है आर वन से। अब हमें क्या करना है, जो हमने दो स्फेरिकल ये कंडक्टर्स लिए हैं, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज करेंगे, क्योंकि जैसे हम प्लेट्स लेते हैं एक पॉजिटिवली और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है, उसी तरह से हमें यहाँ पर वो चार्जेस जो है वो क्रिएट करने हैं। कैसे करेंगे, जो ए प्लेट हमने ली है इसको हमने एक मेटल रोड से क्या कर दिया है, अटैच्ड कर दिया है। ये क्या है, हमारी मेटल रोड है। इससे सिर्फ हमने फर्स्ट वाला जो स्फेयर है, जो हमने ए स्फेयर लिया है, उसको हमने इससे अटैच किया है। अब क्या करना है, सिर्फ ए से अटैच किया है तो बी से इसको आइसोलेट ही रखेंगे, बी से इसको अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर जैसे हमने प्लेट के प्रिंसिपल की बात की थी कि उसको हमने कैसे चार्ज किया था, फर्स्ट प्लेट हमने ले ली, उसको जब हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, तो जो सेकेंड प्लेट है उस पर ऑटोमेटिक इनर जो उसका सरफेस था उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और लास्ट जो आउटर सरफेस था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। उन पॉजिटिव चार्ज की हम अर्थिंग कर देंगे, या फिर नॉर्मली हम कहेंगे कि जो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो उन इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो इसको क्या कह देंगे हम, अर्थिंग कह देंगे। उसी तरह से कुछ ऐसा हमें यहाँ पर करना है। हमने ये जो रोड ली है, मेटल रोड, उसको ए से कनेक्ट किया है, अंदर वाला जो स्फीयर है ए स्फीयर, उससे हमने कनेक्ट किया है। बी को इस मेटल रोड से हमने आइसोलेट रखा है, अलग रखा है। अब क्या करेंगे, इस मेटल रोड से हम क्या कर रहे हैं, इस ए स्फीयर को चार्ज कर रहे हैं, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो अगर फर्स्ट वाला जो स्फीयर है, ए स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो अब जो सेकेंड स्फीयर जो है वो इसके कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इंडक्शन इफेक्ट काम करेगा। इंडक्शन इफेक्ट से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। ये अगर नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए तो आउटर सरफेस पे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो इन पॉजिटिव चार्जेस का सेम जो हमने प्लेट के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सेम यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास जैसे प्लेट्स जो है वो फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव एंड सेकेंड प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज थे, उसी तरह से सेम यहाँ पर ए जो स्फीयर है हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और बी स्फीयर पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गए। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्फेरिकल जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस डिराइव करनी है। तो सिंपल, हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। इस इक्वेशन में हमें पोटेंशियल लिखना है, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों स्फीयर का अलग अलग पोटेंशियल डिराइव कर लेंगे और नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो वही पोटेंशियल हमें किस में पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, देखो फर्स्ट जो स्फीयर है ए स्फीयर, उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वी वन होगा उसको हम लिख लेंगे के क्यू अपॉन आर वन। तो ये हो गई हमारी
सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकंड हमें पोटेंशियल निकालना है बी स्फीयर के कारण। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, हमारे पास आर टू है, के क्यू अपॉन आर टू हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें पता है, देखो अभी तक हम जो यूज़ करते आए हैं वी के लिए फॉर्मूला, हम वो यूज़ करते आए हैं वी इक्वल्स टू ई डी, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिखना है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, के क्यू अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो तो क्या है, सेम है दोनों स्फीयर पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनका सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस फर्स्ट एंड सेकेंड हमने यूज़ की है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, के क्यू अपॉन आर वन, के क्यू अपॉन आर टू। हम यहाँ पर ई डी वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है वी के फॉर्मूले में। अब वी हम टोटल निकाल लेंगे, कितना, वी वन प्लस वी टू। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन पुट कर दो, के क्यू वन अपॉन आर वन माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल है, और सेकंड स्फीयर पर जो चार्ज रखा है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब के क्यू हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, वी इक्वल्स टू के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। ये हमारे पास पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई है, फोर्थ इक्वेशन, और इसको हम पुट करने वाले हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखिए सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है हमारे पास, के क्यू, या हमारे पास है आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। तो देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, सी इक्वल्स टू, देखो यहां पर के का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, साथ साथ आर वन आर टू जो मल्टीप्लाई में है वो भी हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा आर टू माइनस आर वन से। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, किसकी, कैपेसिटेंस की, किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो स्फेरिकल कैपेसिटर आपने सीखा कि कैसे बनाते हैं, फर्स्ट हम क्या ले लेंगे, दो कंडक्टिंग जो स्फेयर है, कंडक्टर स्फेयर है वो ले लेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे, एक मेटेलिक रोड हम लेकर आएंगे जिसको कनेक्ट करना है हमें ए से, ए क्या है अंदर वाला जो स्फेयर है वो है, और बी क्या है आउटर स्फेयर है। यहाँ क्या किया, रोड से फर्स्ट वाले स्फेयर को चार्ज किया पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद में सेकंड वाले के लिए इंडक्शन इफेक्ट काम करेगा, यहाँ इनर सरफेस पे, सेकंड वाले के इनर सरफेस पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, और आउटर पे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, उसकी हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, यानी वो चार्ज क्या हो गए, अर्थ के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमें जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है उसको हम कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसके लिए हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमने देख ली, कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वी का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो रहा है यहाँ पर, के क्यू अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, आर वन रेडियस है तो फर्स्ट, और सेकंड आर टू रेडियस है तो सेकंड के लिए, और माइनस चार्ज है ये भी अपन को ध्यान रखना है, सेकंड टर्म माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। हमने दोनों पोटेंशियल को ऐड किया है, इस फॉर्मूले को हमने सी में पुट किया, अपने पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब एक बात और, हमने क्या किया, के का फॉर्मूला रखा है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एयर एयर या वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस बोल सकते हैं इसके लिए आता है। अगर मान लो कि दोनों जो स्फेयर है यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच में आर टू माइनस आर वन, यानी आर टू माइनस आर वन करेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंस है इन दोनों रेडियस के बीच में, उसमें अगर एयर वैक्यूम ना होकर कोई मीडियम हो या फिर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, अगर एप्सिलॉन एन यहाँ पर रखे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये जो फॉर्मूला है वो सी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर वन आर टू अपॉन आर टू माइनस आर वन, ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर स्फेरिकल कंडक्टर की दोनों स्फेयर्स के बीच में जो आर टू माइनस आर वन डिफरेंस है उसमें क्या हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। तो हमने दोनों कंडीशंस की बात कर ली है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
और नेक्स्ट उसमें वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये पढ़िए, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।